यूक्रेन के पड़ोसी देश मालदोवा की राजधानी चिशिनाव में एक बार फिर सरकार के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। जंग में यूक्रेन की लगातार मदद करने पर वहां पिछले कई दिनों से हजारों लोग अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर राजधानी चिशिनाव में प्रदर्शन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग हाथों में बैनर और अपने देश का झंडा लेकर रैली निकालते हुए दिखाई दिए। हालांकि जगह जगह पुलिस के जवान तैनात दिखे ताकि कोई हंगामा ना हो। हालांकि एक इलाके में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। वहाँ के लोगों के मुताबिक मालदोवा के राष्ट्रपति, जिन्हें यूरोपियन यूनियन का समर्थक माना जाता है, वो अपने देश को जबरदस्ती युद्ध में धकेलना चाहते हैं, क्योंकि रूस कई बार इस देश पर हमला करने की चेतावनी दे चुका है। पेरू में चक्रवात ने जो आफत मचानी शुरू की थी, वो अब देखते ही देखते पेरू के कई शहरों तक पहुंच गई। हालात तो ये हो गए कि पेरू पानी पानी हो गया है। चक्रवात आने की वजह से पूरे शहर में काफी तेज बारिश हुई, जिससे हालात बिगड़ते चले गए। जहां तक नजर गई वहां तक पानी ही पानी नजर आया, और ये हालात पेरू के किसी एक शहर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई शहरों में कई कई फीट तक पानी भर गया, जिसमें गाड़ियां डूबी हुई नजर आई। वहीं जलस्तर बढ़ने की वजह से एक सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे पार करने के लिए लोग सैलाब के बीच से गुजरते हुए दिखे। हाथ में अपना वाहन लेकर पानी को पार किया तो साथ ही कई लोग पैदल अपने अपने सामान कंधे पर रख कर सैलाब को पार करते हुए दिखे। वहीं सड़क के मरम्मत के काम में प्रशासन जुटा हुआ नजर आया। पेरू में हालात ऐसे हो गए कि चक्रवात की वजह से आई बारिश ने कई घरों को खंडर में तब्दील कर दिया। जिन घरों में लोग रहा करते थे, वो अपना अपना आशियाना छोड़कर चले गए। वहीं शहर दर शहर पानी भर जाने की वजह से रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। हालात तो ऐसे हो गए कि प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि पेरू में चक्रवात की वजह से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं घर गांव सब तबाह हो चुके हैं। मुंबई में एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मुंबई के कांदिवली में सड़क किनारे खड़े ट्रक से ऊंची ऊंची आग की लपटें आसमान की तरफ उठती हुई नजर आई। कुछ देर में आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसे कुछ दूर खड़े लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। ट्रक में आग की खबर मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। दमकल विभाग की टीम जब तक आग पर काबू पाती, तब तक ट्रक का बड़ा हिस्सा आग में जलकर राख हो गया। बताया गया कि हादसे के वक्त ट्रक में ड्राइवर मौजूद नहीं था। वहीं आग किस वजह से लगी, इस बात की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस ने चाकूबाजी के आरोपियों का जुलूस निकाला। आरोपियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये दो वो आरोपी हैं जिन्होंने होली के त्योहार पे बालाघाट में चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया था। दोनों गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन आरोपियों का जुलूस निकाला। खासकर इन आरोपियों को उस इलाके में घुमाया गया जहां इन्होंने घटना को अंजाम देकर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। वहीं इससे पहले पुलिस ने फरार चल रहे एक आरोपी के भाई के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका अवैध ढाबा बुलडोजर से नेस्तनाबूद कर दिया। जानकारी के मुताबिक होली पर रंग डालने को लेकर हुए विवाद में गिरफ्तार आरोपियों ने एक आदमी को चाकू मारकर घायल कर दिया था। तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिसमें से पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चाकूबाजी घटना हुई थी जिसमें तीन आरोपी फरार थे, उसमें से दो आरोपियों को, जिनमें मुख्य आरोपी कमलेश सूर्यवंशी है और साथ ही दूसरा भूरू नकपुरे है, इन दोनों को आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके लिए लगातार तलाश की जा रही है। वहीं फरार तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस की दो टीमों का गठन किया गया, जो अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही हैं।